हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर मूवी एक्सप्लेन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बहुत ही मजेदार फिल्म को जिसका नाम है ओवर द हेज। इसे रिलीज किया गया था 2006 में। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक रकून को देखते हैं जिसका नाम आरजे है। आरजे असल जिंदगी में काफी ज्यादा लालची है और वो एक चोर भी है। आरजे हमेशा बस यही सोचता रहता है कि उसे सबसे ज्यादा खाना कहाँ से मिल सकता है। तभी आरजे को विंसेंट की गुफा की याद आती है जिसमें वो ढेर सारा खाना इकट्ठा करके सोया हुआ था। दोस्तों, विंसेंट एक बहुत बड़ा भालू था। अब आरजे सारा खाना चोरी करने लगता है, पर आरजे की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। जब आरजे लास्ट चिप्स का पैकेट चुरा रहा होता है तभी भालू की आंख खुल जाती है। आरजे उसे देखकर वापस जाने लगता है, पर तभी गलती से वो सारा खाना पहाड़ से नीचे गिर जाता है और एक ट्रक सारे खाने को कुचल देता है। अब ये देखकर भालू काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने उस खाने को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत की थी। अब भालू आरजे को धमकी देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर आरजे ने उसका सारा सामान वापस नहीं लौटाया तो भालू उसे खा जाएगा, और आरजे खाने की तलाश में निकल पड़ता है। इसके बाद हम जंगल में एक एनिमल फैमिली को देखते हैं जो कि पूरी सर्दियां सो रहे थे। असल में ये लोग पूरे साल खाना इकट्ठा करते हैं ताकि सर्दियों में इन्हें बाहर ना जाना पड़े, और उनका लीडर एक कछुआ था जिसका नाम वर्न है। तभी उनकी फैमिली का एक मेंबर हैमी आता है और उन्हें बताता है कि उनके जंगल में कुछ तो गलत हुआ है। फिर वो सभी हैमी के साथ जाते हैं और उन्हें अपने सामने एक काफी बड़ी दीवार दिखती है। असल में जब वो सभी ठंड में सो रहे थे तब इंसानों ने उनके आधे जंगल में एक नई कॉलोनी बना दी थी। वर्न जब दीवार के उस पार जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे घर थे, और गार्डन में पड़ी कई सारी चीजों में वर्न फिसल जाता है और काफी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वापस अपने साथियों के पास आता है। फिर वर्न सभी को बताता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें दीवार की दूसरी तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। पर अब सभी लोग टेंशन लेने लगते हैं क्योंकि जंगल के इतने बड़े हिस्से के हट जाने की वजह से उनका खाना इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं उनकी सारी बातें आरजे भी सुन रहा होता है और उसे एक आइडिया आता है कि वो इन मासूम जानवरों का इस्तेमाल करके खाना इकट्ठा करेगा और भालू को ले जाकर दे देगा। आरजे इन सब के पास आता है और इन्हें बताता है कि वो लोग इंसानों का खाना चुरा सकते हैं जो कि कहीं ज्यादा टेस्टी होता है। शुरू में तो उसकी बात कोई नहीं मानता, पर जब आरजे उन्हें चिप्स खिलाता है तो उसके स्वाद से सभी आरजे की बातों में आ जाते हैं। उसी रात आरजे सभी को एक साथ एक घर के बाहर ले जाता है और उन सभी को बताता है कि इंसानों के पास इतना खाना है जो कभी खत्म नहीं होता, और वो लोग खाने के लिए जीते हैं, और जो खाना बच जाता है उन्हें वो कचरे में फेंक देते हैं। ये सभी अब कचरे से खाना खाने लगते हैं, लेकिन तभी उस घर की मालकिन बाहर आ जाती है और सभी को झाड़ू से मार के भगा देती है। वर्न को आरजे का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें बहुत खतरा है, और उसे आरजे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। पर आरजे अपनी इमोशनल स्टोरी सुना के बाकी सबको झांसे में ले लेता है। अगली सुबह आरजे अपने साथ हैमी को ले जाता है और उसे कहता है कि वो सामने वाले बच्चों को जाके डराए, जिससे वो बच्चे अपनी कुकीज से भरी ट्रॉली छोड़ के भाग जाएं। पर ऐसा नहीं होता और वो बच्चे उल्टा हैमी को ही परेशान करने लगते हैं। पर आरजे हैमी को बचाने की जगह वो बिस्किट की ट्रॉली अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ वर्न आ जाता है और हैमी को बचा लेता है। ये सब के बारे में कॉलोनी की प्रेसिडेंट को पता चलता है और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी कॉलोनी में जानवर घूमते रहें। वहीं आरजे सभी के पास बिस्किट लेकर पहुंच चुका था जो उन्हें काफी पसंद आते हैं। वर्न उन्हें बताने की भी कोशिश करता है कि हैमी अभी मरते मरते बचा है, पर सभी बिस्किट खाने में इतने पागल हो गए थे कि कोई वर्न की बात ही नहीं सुनता। अब वो सभी लोग चोरों का एक ग्रुप बन चुके थे और वो बार बार इंसानों की कॉलोनी में जाकर खाने की चीजें चुराने लगते हैं। साथ ही अब वो सिर्फ खाना ही नहीं चुरा रहे थे बल्कि सामान भी चुरा रहे थे। एक दिन उन्हें एक ब्लू बॉक्स चुराना था, इसीलिए आरजे ऑजी से कहता है कि वो मरने की एक्टिंग काफी अच्छी करता है। तो जब ऑजी लोगों की गाड़ी के आगे मरने की एक्टिंग कर रहा होगा तब वो सभी उस ब्लू बॉक्स को लेकर भाग जाएंगे। फिर वो सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन उस मालकिन ने जानवर मारने वाले हंटर को बुला लिया था। वो हंटर ऑजी के पास आता है और समझ जाता है कि ये मरने का नाटक कर रहा है। वो सच में ऑजी को मारने ही वाला था, पर ऑजी उठकर तुरंत यहाँ से भाग जाता है।
तब तक ऑजी के दोस्तों ने वो ब्लू बॉक्स भी चुरा लिया था। फिर वो सभी उस ब्लू बॉक्स वाला खाना खाते हैं और आज से पहले उनमें से किसी ने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। उन्हें लग रहा था कि आरजे उनके लिए इतना कुछ कर रहा है, इसीलिए वो सभी सिर्फ आरजे की इज्जत करने लगते हैं और वो वर्न को तो पूछ भी नहीं रहे थे। फिर वो सभी आरजे को उसका खुद का एक घर बना के देते हैं, जो देख आरजे बहुत इमोशनल हो जाता है। वो इन भोले भाले लोगों को धोखा नहीं देना चाहता था, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगली सुबह वर्न तय कर चुका था कि वो ये सारा सामान वापस कर देगा और वो सभी अपनी जिंदगी पहले की तरह जिएंगे। वर्न सारा सामान दूसरी तरफ ले जाता है। ये सब आरजे भी देख लेता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर वो सारा सामान एक डॉग की चेन में फंस जाता है और वो डॉग भी बाहर आकर इनका पीछा करने लगता है। इस भागम भाग में वो सारा चुराया हुआ सामान तबाह हो जाता है। पूरी फैमिली को भी पता चलता है कि जिस सामान को पाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी, अब वो उनके पास है ही नहीं। ये सब वर्न की गलती थी, इसीलिए पूरी फैमिली वर्न से काफी गुस्सा हो जाती है। पर वर्न उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि आरजे उन मूर्खों का इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर सभी लोग वर्न से और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आरजे को ही अपना लीडर मानने लगते हैं। इधर आरजे को चिंता हो रही थी कि सिर्फ एक दिन ही बचा है और उसके पास भालू को देने के लिए कुछ नहीं है। तभी आरजे देखता है कि मालकिन के घर ढेर सारा खाना आया है, क्योंकि वो एक पार्टी देने वाली थी। साथ ही उसने अपने घर के गार्डन में ढेर सारे ट्रैप्स और लेजर के जाल बिछा दिए थे। वहीं वर्न अब आरजे और बाकी फैमिली से माफी मांगता है और वो भी उनका साथ देने को तैयार था। यानी आरजे के पास अब भी मौका है एक बार में सारा सामान चुराने का। अब आरजे अपना प्लान सभी को बताता है कि एक घर में पार्टी होने वाली है तो वो लोग वहाँ चोरी करेंगे। पर उनके सामने एक दिक्कत थी, उस घर में एक बिल्ला रहता था जिसका उन्हें सामना करना था। इसीलिए वो सभी स्टेला को एक बिल्ली जैसा बना देते हैं, जिससे स्टेला उस बिल्ले का ध्यान भटका सके। पहले ये लोग हैमी को गार्डन में भेजकर लेजर वाला ट्रैप बंद करवाते हैं। अब स्टेला बिल्कुल प्लान के मुताबिक उस बिल्ले को अपनी बातों में फंसाकर उसके गले की घंटी चुरा लेती है, जिससे बाकी सब घर के अंदर एंटर कर पाते हैं। फिर वो सभी पूरी रात चोरी करते हैं और काफी सारा खाना चुराते हैं। सारा खाना चुराने के बाद वो सभी जाने ही वाले थे, इतने में मालकिन जाग जाती है और किचन में आ जाती है। उसे देखकर सभी छुप जाते हैं। तभी आरजे को एक चिप्स का पैकेट दिखता है और वो उसे भी चुराने की सोचता है। वर्न उसे मना करता है क्योंकि उनके पास पहले ही काफी सारा खाना हो चुका है, पर आरजे नहीं मानता और जाने लगता है। आखिर में आरजे को गुस्सा आ जाता है और वो सब सच बोल देता है कि वो तो ये सारा खाना भालू के लिए चुरा रहा था। तभी आरजे के हाथ से एक कांच की बोतल गिर जाती है, जिससे मालकिन यहाँ आ जाती है। वो इतने सारे जानवरों को अपने घर में देख कर उस हंटर को बुला लेती है। आरजे तो खाने का सामान लेकर यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन बाकी सभी लोगों को वो हंटर पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है, जिसके बाद वो इन सभी जानवरों को मारने वाला था। सभी लोग वर्न से माफी मांगते हैं कि उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी और आरजे पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। आरजे खाना लेकर वापस जा रहा था, लेकिन भालू उसे रास्ते में ही मिल जाता है। वो दूर से ये सब तमाशा देख रहा था। वो आरजे की काफी तारीफ करता है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, लेकिन आरजे को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि वो लोग उसे अपना फैमिली मेंबर समझ रहे थे। इसीलिए अब आरजे उस फैमिली की मदद करने का डिसाइड करता है और खाने की ट्रॉली को उस हंटर के ट्रक के सामने फेंक देता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सारे जानवर पिंजरों से बाहर आ जाते हैं। वो हंटर बेहोश हो गया था और अब गाड़ी का कंट्रोल ऑजी के बच्चों के हाथ में था। आरजे गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करने लगता है, पर वो सभी उसे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। वहीं भालू भी आरजे के पीछे पड़ा था, पर वर्न कहता है कि उन्हें आरजे को अंदर आने देना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वही उनकी मदद कर रहा हो। तो वो सभी आरजे को भी अंदर ले लेते हैं। अब वो सभी गाड़ी लेकर अपने घर के पास पहुंच जाते हैं और गाड़ी सीधा मालकिन के घर से टकरा जाती है। सभी जानवर उस दीवार में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन एक तरफ भालू था और दूसरी तरफ वो हंटर और मालकिन। वो उन सभी जानवरों को मारने की कोशिश करते हैं। ये लोग दोनों तरफ से फंस चुके थे। तभी आरजे के दिमाग में एक आइडिया आता है। आरजे हैमी को एनर्जी ड्रिंक पिला देता है, जिससे हैमी के अंदर काफी तेज स्पीड आ जाती है और उसके लिए हर चीज रुक जाती है। फिर हैमी आराम से जाकर लेजर वाले ट्रैप को फिर से चालू कर देता है और इधर आरजे भालू को ललचाकर उसे गार्डन में ही गिरा देता है।
जिससे लेजर वाला ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और भालू हंटर और मालकिन तीनों एक बड़े से पिंजरे में कैद हो जाते हैं। कुछ देर में यहाँ पुलिस आ जाती है, भालू को वन विभाग वाले पकड़ लेते हैं और मालकिन और हंटर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि लेजर ट्रैप लगाना गैर कानूनी है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और वर्न आरजे से कहता है कि अगर उसे भालू का खाना ही लौटाना था तो वो उन्हें पहले ही बता सकता था, वो सभी उसकी जरूर मदद करते। आरजे बताता है कि वो कभी फैमिली में रहा ही नहीं था, इसीलिए उसे फैमिली का मतलब ही नहीं पता था। अब आरजे भी उस फैमिली का हिस्सा बन चुका था और हैमी कहीं से ढेर सारे नट्स भी ले आया था जिससे इन्हें काफी टाइम तक खाने की कमी नहीं होगी। और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर मूवी एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।